हटा के बता है? इतना बड़ा वाला बहादुर है हो तुम? वो आए, जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम लिखेंगे और जो कलमबद्ध करेंगे वो सब निकलेगा। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है। हमारा ज्यादा बात विवाद में हमें उत्तर इसलिए नहीं देते क्योंकि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। 365 दिन बाद हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा। अगले वर्ष इससे भव्य और दिव्य होगी, हिंदू राष्ट्र की होली होगी। लोग तो हमारे लिए कहते हैं कि हम बहुत कट्टर आदमी हैं। जी नहीं गुरु जी, बाबा ने हिंदू राष्ट्र की फाइनल तारीख बता दी। देखो वो सामने एकदम तिरंगा में, वाह अद्भुत अद्भुत। तुम चाहते हो? कौन कौन चाहता है? पक्का? दरबार से निकला हिंदू राष्ट्र का फाइनल पर्चा। हमारी प्रार्थना को बेकार मत जाने देना। अगर तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सनातनीय हिंदू का हो तो तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। चमत्कारी पर्चे पर 1 करोड़ की चुनौती। दुनिया कोई व्यक्ति सेम बता देता है 1 करोड़। बाबा के चमत्कार को मिला तीसरा चैलेंज। ट्रेन में समस्या बताई है, पूर्णतया लाभ होगा, डॉक्टरी सलाह के साथ चलना है, मंत्र चिकित्सा से आराम लग जाएगा, स्वास्थ्य में आशीर्वाद। सनातन का झंडा गाड़े रहिए, कायदे में रहेंगे तो फायदे में। जी हाँ, बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र का टारगेट फिक्स कर दिया है और दावा कर दिया कि अगली होली हिंदू राष्ट्र वाली होली होगी। मैं बड़ी खबर एक आपको बता दें, ये बड़ी खबर है, धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारी दावे को एक बार फिर से चैलेंज कर दिया गया है। अब 1 करोड़ का इनाम, उनके पर्चे पर 1 करोड़ का चैलेंज दे दिया गया है। खबर को सुनिएगा, छिंदवाड़ा के डॉक्टर प्रकाश टाटा ने चुनौती दिया और पूरे 1 करोड़ के इनाम का ऐलान कर दिया। मतलब ये कि अगर बागेश्वर महाराज इनकी पर्ची में लिखी बात बता दें तो ये इनाम के तौर पर बाबा बागेश्वर को 1 करोड़ देने को तैयार हैं। तुम रक्षक का हो, ये दरबार भी इसीलिए लग रहा है। ये देखो वो सामने एकदम तिरंगा में, वाह अद्भुत अद्भुत। तुम चाहते हो? कौन कौन चाहता है? पक्का? आज से जीवन भर के लिए बागेश्वर बालाजी का कौन कौन बनना चाहता है? वही हाथ उठाना जो राम जी के खानदान के हो, रामण वाले हाथ रखे रहना। टीकमगढ़ की यात्रा में जो आज तक कहते थे कि भारत के मुसलमान पत्थर फेंकते हैं, लेकिन भारत के टीकमगढ़ के मुसलमान ने राम की यात्रा में पुष्प बरसा करके स्वागत किया। का नाम इस्माइल खान है और आप हमारे बड़े ही प्रिय हैं और हम आपको बहुत लव करते हैं। देश में इन दिनों हिंदू राष्ट्र का मुद्दा छाया हुआ है। कोई भारत के पहले से ही हिंदू राष्ट्र होने का दावा कर रहा है तो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत करने वाले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐलान भी कर दिया है कि 365 दिन बाद भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अगले वर्ष इससे भव्य और दिव्य होगी, हिंदू राष्ट्र की होली होगी। लगता है आपको कि हो जाएगा आपका जो सपना है? होगा, अब वो तो हो ही चुका है, बाणी से निकल गया सो हो चुका है। अब बस हिंदुओं की बारी है, हम तो अपने पथ पर लगे हैं, कार्य पर लगे हैं। अब हिंदुओं का काम है सनातनी हिंदू ऐसा करें ताकि बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की होली और खिल जाए। लोग तो हमारे लिए कहते हैं कि हम बहुत कट्टर आदमी हैं। जी नहीं गुरु जी, ऐसा कुछ नहीं है। संत कभी भी, कोई भी संत महंत कट्टर नहीं होते, उनके दिल में हमेशा ही हर इंसान के लिए प्यार रहता है, जो कि आपके दिल में भी है। बाबा के तेवर देखकर कट्टरपंथी भड़के रहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र से कहने का मतलब है कि सभी धर्म के लोग आपसी भाईचारे के साथ रहें। भारत
की कल्पना में जिस प्रकार पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं उसी प्रकार भारत में मुसलमान भी रहेंगे। होली के ठीक बाद में बाबा बागेश्वर ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये उद्घोष किया है और उनके भक्तों को भी बाबा पर पूरा भरोसा है कि बाबा जो कहते हैं वो जरूर करते हैं। पिछले 3 महीने में आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र पर बड़ा मोर्चा खोला है। इसके पहले आचार्य धीरेंद्र शास्त्री धर्मांतरण का गैंग चलाने वालों पर प्रहार करते थे और इसको जो है प्रदीप नाम के व्यक्ति ने करवाया है उससे आप परिचित हो, सावधान रहना, आशीर्वाद। जय जय बागेश्वर धाम प्रभु। ये तुम्हारे वो हलीउल्लाह वाले नहीं बता सकते हैं जी गुरुजी, लेकिन उनके कान हम बता सकते हैं जी गुरुजी। सनातनी पताका लेकर बाबा बागेश्वर निकल चुके हैं, उनके एक एक वचन विरोधियों पर भारी पड़ रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की हुंकार बाबा ने जो भरी तो सेक्युलर तबका तिलमिला गया। बाबा ने रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ करने की मांग उठाई तो विरोधी भड़क गए और बाबा ने धर्म परिवर्तन के खिलाफ घर वापसी की मुहिम चलाई तो मजहब के ठेकेदार परेशान हो रहे हैं। जहां देखो युवान बच्चे युवान बहने हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगे, क्योंकि अब तक ये भारत के लोगों को अनपढ़ गवार समझते थे और भारत के संतों को पाखंडी समझते थे, अब इनके मुंह पर तमाचा घला तो इनको नानी याद आ गई अपनी अपनी। हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश आज धीरेन्द्र शास्त्री नहीं कर रहे हैं, ऐसे सैकड़ों धीरेन्द्र शास्त्री आए हैं और गए हैं। बाबा बागेश्वर ने जब से हिंदू राष्ट्र की प्रतिज्ञा ली और इस पर यज्ञ का महा आयोजन भी कराया था, उसके बाद से आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों का विरोध हो रहा है, लेकिन हर बार बाबा बागेश्वर कुछ नया सरप्राइज दे जाते हैं। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा कि सनातन की क्रांति से संसद में कुछ बड़ा होने वाला है। भारत को जिस दिन हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे उसी दिन सनातन धर्म की ये जो शिक्षा नीति है, महापुरुषों की नीति है, जो चिकित्सा नीति है, जो चिकित्सा पद्धति है, जिस दिन भारत के लोग उसका अनुसरण करने लगेंगे उसी दिन भारत विश्व गुरु पुनः घोषित हो जाएगा। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा देश में ज्वलंत मुद्दों पर ही बात करते हैं। उनके बयानों की चर्चा सबसे ज्यादा सियासी हलकों में ही होती है और उनकी बातों से नेताओं को ही मिर्ची लगती है। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे, कैसे बनाएंगे आप? तो आप अंबेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? जलाकर कोई संविधान बनाएंगे क्या? कई बार ये सवाल भी उठे हैं कि बाबा बागेश्वर अब सियासत की गंगा में गोते लगाने ही वाले हैं। उनके दरबार में राजनेताओं की हाजिरी भी लगने लगी है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में बाबा के कार्यक्रम में भाग लिया था। मामा की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, ये हमेशा सुखी रहें, इनका मंगल हो, इनका कल्याण हो, कभी तुम्हारे पांव में भी कांटा ना गड़े। बालाजी भगवान से भी यही प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। खुद को हनुमान भक्त कहने वाले कमलनाथ भी बाबा के दरबार में आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। एमपी के चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त बचा है और हर पार्टी ये चाहती है कि उनके दिव्य दरबार में जीत का पर्चा जरूर कटे, लेकिन आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ कर दिया है कि उन्हें सियासत से कोई लेना देना नहीं है। उनका एक ही टारगेट है, सिर्फ हिंदू राष्ट्र और सनातन विरोधियों का सफाया करना। कई अखबार, एक कोई अखबार की है कटिंग है जो हमारे पास आई है। हमारी प्रार्थना है बागेश्वर धाम पीठ को और बागेश्वर धाम को किसी भी पार्टी से ना जोड़ा जावे। हिंदू राष्ट्र और सियासत के बीच बाबा बागेश्वर के दरबार को एक चैलेंज मिला है। इस बार छिंदवाड़ा में रहने वाले आयुर्वेद के डॉक्टर प्रकाश टाटा ने चुनौती दी है और पूरे 1 करोड़ के इनाम का ऐलान किया है। मतलब ये कि अगर बागेश्वर महाराज इनकी पर्ची में लिखी बात बता दें तो ये इनाम के तौर पर 1 करोड़ देने को तैयार है। भारत के अंदर जो पर्ची वाले बाबा हैं, जो भविष्य बताते हैं,
उनका एरिया में चेंज किया पूरे भारत के अंदर, कोई भी धर्म का हो, धीरेन्द्र शास्त्री को कोई भी धर्म का हो, बहुत सारे पर्ची वाले बाबा जो भी जितनी पर्ची वाले बाबा कोई भी धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुस्लिम समाज हो कोई भी। फिलहाल बागेश्वर महाराज की ओर से 1 करोड़ के इस चैलेंज को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन इस नए चैलेंज को लेकर बागेश्वर धाम में चर्चा शुरू हो गई है और हर किसी को अब इंतजार इस नए चैलेंज पर बाबा की हुंकार का है।